हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटेक कोर्सेज के लिए कि बीटेक का चॉइस फिलिंग किस अनुसार से होना चाहिए, टॉप यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस लिस्ट क्या है बीटेक कोर्सेज के लिए। इसमें हम कवर करेंगे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि बीटेक वाले कोर्सेज के लिए कौन कौन सा स्टूडेंट एलिजिबल है। तो जो भी स्टूडेंट ट्वेल्थ में पीसीएम ग्रुप से थे या पीसीएमबी ग्रुप से थे, यानी कि उन्होंने ट्वेल्थ पास आउट करा था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथ से, और उन्होंने सीईटी का एग्ज़ाम पीसीएम ग्रुप से दिए हों, वही कैंडिडेट बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं। तो जो भी स्टूडेंट पीसीएम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनका रैंक कितना भी हो या उनका मार्क्स कितना भी लो हो, वो अपना काउंसलिंग जरूर करे, क्योंकि आपका चांस है सिलेक्शन होने का। वहीं अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 20 के रहने पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई ना कोई कॉलेज आपको फोर्थ मॉपअप राउंड तक मिल जाएगी। इसका रीज़न ये है कि इसमें बायोलॉजी और एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं हैं, तो आपका कंपटीशन ऑटोमेटिक कम हो गया। अगर आपको ICA या 2023 में फ्री काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए तो आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सअप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो में हम आगे बात करते हैं चॉइस फिलिंग फॉर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में। तो पहला नंबर पे है IIRI न्यू दिल्ली, सेकंड नंबर पे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, सबसे महंगी यूनिवर्सिटी है, 1 लाख पर एनम आपका चला जाएगा फी। फिर थर्ड नंबर में बात कर लेते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितना भी इंडिया में उसका फी बहुत ही लो होता है। फिर फोर नंबर में बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलोर कर्नाटका, फाइव नंबर में बात करते हैं तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा, छः नंबर में बात करते हैं तो छः नंबर में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी श्रीनगर। फिर सेवन नंबर में आप रख सकते हैं आचार्य एन जी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुंटूर आंध्र प्रदेश में, ये साउथ में है। फिर एट नंबर में सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर, नाइन नंबर में आप फिलअप कर सकते हैं महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर राजस्थान। अगर आप टॉप वाइज जाना चाहते हैं डायरेक्टली आप ये प्रेफरेंस ऑर्डर को फिलअप कर सकते हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। वहीं अगर आपको कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करना है तो आप इसमें मॉडिफिकेशन करके भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। कोई कैंडिडेट होते हैं जिन्हें साउथ में नहीं जाना होता है तो आप साउथ वाले यूनिवर्सिटी को बॉटम में डाल देंगे। फिर आगे बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में है, 11 नंबर में उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर उड़ीसा। फिर आगे बात कर लेते हैं 13 नंबर में तो आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद गुजरात, 14 नंबर में बात कर लेते हैं केरला यूनिवर्सिटी त्रिशूर केरला, 15 नंबर में बात कर लेते हैं महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी, 16 नंबर में आप फिलअप कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस रायचूर कर्नाटका, 17 नंबर में फिलअप कर सकते हैं प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद तेलंगाना, 18 नंबर में फिलअप कर सकते हैं जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जूनागढ़ गुजरात, 19 नंबर में डॉक्टर बाला साहब सामंत कोंकण कृषि विद्यापीठ डपोली। फिर 20 नंबर में आप फिलअप कर सकते हैं जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश, 21 नंबर में आप फिलअप कर सकते हैं डॉक्टर पंजाबरू देशमुख कृषि विद्यापीठ कृषिनगर अकोला, और 22 नंबर में तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा स्टूडेंट बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल है। तो जो भी स्टूडेंट ट्वेल्थ पास आउट किए हैं पीसीएम सब्जेक्ट से या पीसीएमबी सब्जेक्ट से और सीयूटी का एग्ज़ाम वो पीसीएम ग्रुप से दिए हैं, वो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हैं। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कट ऑफ बहुत ही लो जाता है, अगर आपका 15,000 रैंक भी रहेगा तब पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि बीटेक कोर्सेज में सिर्फ सिंगल ग्रुप वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल होते हैं। इसमें बायोलॉजी वाला एलिजिबल नहीं होगा, इसमें एग्रीकल्चर वाला एलिजिबल नहीं होगा, पीसीएम रहा है ट्वेल्थ में एज वेल एज सीयूटी में वही एलिजिबल होते हैं, तो कम मार्क्स पे भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। वहीं अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं और आपका पीसीएम ट्वेल्थ में है और आपने सीईटी का भी एग्ज़ाम पीसीएम से दिए हों, तो आपका 20K भी रहेगा रैंक, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। इसका रीज़न भी हम बता दिए आपको। अगर आपको ICA या 2023 में फ्री काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए तो आप डायरेक्टली व्हाट्सअप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमने जो टॉप यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस लिस्ट की बात करी थी, ये हम आपको टेलीग्राम में भी देने वाले हैं, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, और कोई भी पर्सनल डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। इतना ही, इस वीडियो में बात करेंगे बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।